पाप से परे चिता से होती आग, तो ना टले वो शराब, मैं तुम्हारा पाप शिकार पे निकला। रामपोती नैनी के स्कंदा ने शुरुआती 3 दिनों में काफी शानदार कलेक्शन किया है। वही कंगना रनौत की फिल्म चंद्रमुखी का भी 3 दिनों का कलेक्शन एक तरह से डिसेंट है। लेकिन दोस्तों बॉलीवुड की फिल्म फुकरे 3 का जो कलेक्शन है ना, वो हम सबकी उम्मीदों से ज्यादा हो चुका है। पर इन सब से हटकर अभी भी शाहरुख खान की फिल्म जवान 4थे हफ्ते में करती जा रही है शानदार कमाई। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन चारों ही फिल्मों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इन फिल्मों ने दुनिया भर से कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन चारों फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। सबसे पहले अगर बात करें बॉलीवुड की फिल्म फुकरे 3 के बारे में, जिस फिल्म को सिनेमाघरों में हो चुके हैं आज 3 दिन, बताना चाहूंगा दोस्तों वरुण शर्मा, पुलकित सम्राट, पंकज त्रिपाठी की फिल्म फुकरे 3 को पब्लिक की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिलने की वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर की है शानदार कमाई। जी हां दोस्तों, इस फिल्म का पहले दिन का, दूसरे दिन का और तीसरे दिन का जो कलेक्शन है वह हम सबकी उम्मीदों से ज्यादा रहा, क्योंकि फिल्म ने पहले दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 8,82,00,000 रुपए का किया, तो दूसरे दिन भी फिल्म की कमाई 7,50,00,000 रुपए रही। हालांकि आज फिल्म को जो ऑक्यूपेंसी मिली है वो पहले और दूसरे दिन से बेहतर है। तो आज फुकरे 3 इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 9,50,00,000 रुपए का कर रही है। इसी के साथ दोस्तों फुकरे 3 का शुरुआती 3 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 25,82,00,000 रुपए का हो रहा है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 31 करोड़ रुपए। 3 दिनों में फिल्म ने दुनिया भर से लगभग 36 करोड़ की कमाई की है। तो दोस्तों फिल्म का 3 दिनों का कलेक्शन तो बढ़िया और लग रहा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट या फिर सुपर हिट हो जाएगी। वही अब अगर बात करें तमिल फिल्म चंद्रमुखी 2 के बारे में, जिस फिल्म में देखने को मिले थे राघवा लॉरेंस और कंगना रनौत, दोस्तों इस फिल्म को तो जो रिव्यूज मिले हैं वो मिक्स है, यानी कि किसी को फिल्म पसंद आई, किसी ने फिल्म को एवरेज कहा। लेकिन दोस्तों इतने प्रॉब्लम्स के बाद भी फिल्म ने ओपनिंग काफी अच्छी ली थी, लेकिन दूसरे दिन और तीसरे दिन फिल्म के कलेक्शन काफी ज्यादा ड्रॉप रहे। जी हां दोस्तों, अगर बात करें चंद्रमुखी 2 के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा 5 भाषाओं में रिलीज किया था और फिल्म ने रिलीज होते ही पहले दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 5 भाषाओं से 8,30,00,000 रुपए का किया था। वही दूसरे दिन लग रहा था कि फिल्म शायद 6-7 करोड़ कमाएगी, लेकिन दूसरे दिन फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन सिर्फ 5,10,00,000 रुपए का रहा। हालांकि आज यानी कि तीसरे दिन फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी है वो दूसरे दिन के मुकाबले थोड़ी बेहतर है। जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक चंद्रमुखी 2 अपने तीसरे दिन इंडिया से नेट कलेक्शन सभी भाषाओं में 5,60,00,000 रुपए का कर रही है। इसी के साथ चंद्रमुखी 2 का शुरुआती 3 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 19 करोड़ का हो रहा है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 22,61,00,000 रुपए। बता दो दोस्तों 3 दिनों में फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन लगभग 30 करोड़ का हो रहा है। अब कल है संडे, तो कल फिल्म एक अच्छी खासी कमाई कर जाएगी, लेकिन देखते हैं कि मंडे से फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर क्या हालत होती है। लेकिन अब अगर बात करें स्कंदा फिल्म के बारे में, तो दोस्तों बोयापति श्रीनु के डायरेक्शन में बनी एक्शन पैक्ड फिल्म स्कंदा, जिस फिल्म में राम पोथे नैनी और श्रीलीला देखने को मिले थे, साथ ही साथ फिल्म में साई मांजरेकर का भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। अब अगर दोस्तों बात करें स्कंदा के कलेक्शन की, तो इस फिल्म को भी पेन इंडिया रिलीज किया था, यानी कि यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा 5 भाषाओं में रिलीज हुई थी। फिल्म को तेलुगु के अलावा बाकी भाषाओं में कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला और फिल्म की जितनी भी कमाई थी वो मैक्सिमम सिर्फ तेलुगु स्टेटस से आई थी। हालांकि आपको बता दें कि दोस्तों यहां पर स्कंदा फिल्म ने राम पोथे नैनी के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग ली और फिल्म का जो फर्स्ट डे का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन है वो 18,20,00,000 रुपए का रहा। हालांकि दूसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शन में भी एक बड़ा ड्रॉप आया और स्कंदा ने दूसरे दिन वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन लगभग 12,50,00,000 रुपए का किया। लेकिन दोस्तों आज सैटरडे यानी कि हाफ हॉलीडे होने की वजह से फिल्म की ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग में तो डिसेंट है, बट आफ्टरनून इवनिंग नाइट शोज की बुकिंग काफी बढ़िया हो चुकी है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक स्कंदा अपने तीसरे दिन वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन लगभग 14 करोड़ का
सौदा कर रही है। और इसी के साथ स्कंदा का शुरुआती तीन दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 45 करोड़ का हो चुका है और कल तक ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट इतनी कमाई कर जाएगी। हालांकि फिर से वही बात, मंडे से फिल्म कैसी कमाई करती है फिर डिसाइड होगा कि फिल्म का फाइनल कलेक्शन आखिर 100 करोड़ तक जाता है या नहीं। लेकिन बात कर ली जाए द वैक्सीन वार के बारे में, तो विवेक अग्निहोत्री की फिल्म वैक्सीन वार ने बॉक्स ऑफिस पर शायद निराश कर दिया है, क्योंकि दोस्तों फिल्म के जो कलेक्शन है वो उम्मीद के हिसाब से नहीं रहे। फिल्म ने पहले दिन जहां 85 लाख रुपए की ओपनिंग ली थी, लेकिन दूसरे दिन हल्की सी ग्रोथ है और सेकंड डे का कलेक्शन लगभग 90 लाख रुपए रहा। हालांकि तीसरे दिन सैटरडे होने की वजह से फिल्म को मॉर्निंग वाले शोज में तो डिसेंट ओपनिंग मिली, लेकिन आफ्टरनून इवनिंग शोज की बुकिंग एक तरह से बेहतर है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक द वैक्सीन वार अपने तीसरे दिन इंडिया नेट कलेक्शन 1 करोड़ 10 लाख रुपए का कर रही है। इसी के साथ द वैक्सीन वार का शुरुआती तीन दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 2 करोड़ 85 लाख रुपए का हो रहा है, तो वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन लगभग 4 करोड़ रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म का बजट 10 से 12 करोड़ रुपए है, तो देखते हैं कि फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन बजट इतना जा पाता है या नहीं। अब अगर अंत में बात करें बॉलीवुड के बादशाह यानी कि शाहरुख खान की फिल्म जवान के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों शाहरुख खान की फिल्म जवान को इस वक्त सिनेमाघरों में चौथा हफ्ता चल रहा है, लेकिन फिल्म की कमाई इतनी बढ़िया है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि सच में 2023 बॉलीवुड के लिए काफी अच्छा साल साबित रहा। क्योंकि इस साल बॉलीवुड ने एक नहीं तीन ऐसी फिल्में देखी जिन्होंने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन ही 500 करोड़ से ज्यादा का किया। जवान, पठान, गदर 2, हालांकि यहां पर जवान, पठान और गदर 2 से कहीं आगे निकल चुकी है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें जवान के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो शाहरुख खान की जवान ने पहले हफ्ते में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 696 करोड़ रुपए से ज्यादा का किया था। दूसरे हफ्ते में फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 240 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। हालांकि तीसरे हफ्ते में फिल्म की स्क्रीन कम कर दी गई थी, लेकिन फिर भी फिल्म ने तीसरे हफ्ते में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 105 करोड़ रुपए से ज्यादा का किया। यानी कि तीन हफ्तों में फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन है वो 1043 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो चुका था। अब बात करें चौथे हफ्ते की, तो दोस्तों यहां पर फिल्म ने चौथे हफ्ते में एंट्री लेते ही 23वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन 5 करोड़ 50 लाख रुपए का किया, तो 24वें दिन फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 7 करोड़ 50 लाख रुपए हो रहा है। यानी कि दोस्तों बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म जवान का अब तक का इंडिया नेट कलेक्शन ही 597 करोड़ 32 लाख रुपए का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 719 करोड़ रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों में 350 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है। जी हां दोस्तों, ये फिल्म ओवरसीज से 351 करोड़ की कमाई कर चुकी है। और इसी के साथ बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की फिल्म जवान का जो अब तक का वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन है वो हो रहा है 1070 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, फिल्म दुनिया भर में आज 1070 करोड़ का आंकड़ा पार कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि 2-3 दिनों के अंदर ही फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 1100 करोड़ से आगे निकल जाएगा। लेकिन देखना यह है कि यहां पर जवान फिल्म 1100 करोड़ से आगे और कितनी कमाई करती है। वैसे आपको क्या लगता है जवान का फाइनल कलेक्शन कितना होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।